भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र औराई के दत्तीपुर गांव में गुरुवार को कुल्हाड़ी से गला काटकर अज्ञात युवक की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। जांच में उसने अपने भाई से हुई मारपीट के रंजिश की बात स्वीकार की है। हत्या में प्रयुक्त ब्लेड भी बरामद कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि मृतक साविर के बड़े भाई कासिम का मेरे भाई अमजद से एक माह पूर्व बच्चों के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें अमजद को हल्की चोटें आई थी। इसी बात की रंजिश को लेकर रात को मैं अपने एक अन्य साथी इरफान पुत्र आसमान निवासी मोहल्ला कासिमपुर के साथ मिलकर कासिम के भाई साबिर को शराब पिलाने की लालच देकर सिंह दरबार ढाबा के पास पूर्व नियोजित साजिद के तहत शराब पिलाकर अपने मोटरसाइकिल से औराई के दत्तीपुर गांव शहर के पास सुनसान स्थान देखकर हम लोगों ने मिलकर उसका गला काटकर हत्या करके लाश को पानी भरे खेत में फेंक कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक औराई सदानंद और क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी विनोद दुबे मई टीम सहित शामिल रहे। ये था कि कल सवेरे हमको खबर मिली थी कि एक किसी का मर्डर करके फेंक दिया गया डेड बॉडी। इस सूचना पर हम सभी लोग जितने जिले के अधिकारी हैं और सभी थाना अध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे। फिर चूंकि वहाँ एक आइडेंटिफाइड था, हम लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया का सहारा लिया कि इसकी तुरंत पहचान हो जाए, क्योंकि मर्डर तभी खुल सकता था जब उसकी पहचान हो जाए। दोपहर करीब 1:30 बजे तक ये पता चल गया था कि जो मृतक है वो साविर नाम का व्यक्ति है जो धमापुर का रहने वाला है। तब फिर मैंने उसके बड़े भाई से कासिम से बात किया और फिर उसने बताया कि साहब मेरे भाई को सौदागर नाम का आदमी ले गया था और तब से वो लौटा नहीं। फिर हमने इसकी खोज में लगा दी अपनी टीम। बहुत मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। तब इसने बताया कि साहब कासिम ने मेरे भाई अमजद को लगभग एक महीने पहले मारपीट कर दी थी, उसका कान का पर्दा फट गया था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए मैंने साबिर को घर से बुलाया, शराब पिलाई और फिर इरफान नामक अपने दोस्त को बुला करके और इसकी गला काट करके हत्या कर दी। किस चीज़ से सर लोगों ने हमला किया था, किस चीज़ से गला काटा था? गला चाकू से काटा था, चाकू बरामद हुआ है, इनके खून आलूदा कपड़े भी बरामद हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।